नमस्कार दोस्तों मैं मीनाक्षी हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम बनाएंगे एक से डेढ़ साल के बच्चे के लिए कार्डिगन फ्रंट ओपन ये जो कार्डिगन हम बनाएंगे ये इसका जो बॉर्डर होगा वो लेस पैटर्न से होगा और बाकी का कार्डिगन हम प्लेन बनाएंगे ये जो आ, कार्डिगन है फ्रंट ओपन और इसका जो गला होगा वो हम वी शेप में बनाएंगे इस आ, ये मेरे पास जो बेबी वूल है ये टोटल 200 ग्राम वूल है इसी में हमने कार्डिगन भी बनाना है कैप भी बनाना है और बूटीज भी बनाएंगे स्टार्ट हम अभी कार्डिगन से कर रहे हैं आज की जो वीडियो है इसमें हम कार्डिगन बनाएंगे इसके लिए आ, ये जो सिलाई मैंने यूज़ की है ये इंडियन नौ नंबर की सिलाई है थ्री पॉइंट mm. पूरा कार्डिगन हमने इसी पे बनाना है और इसके लिए ये मेरे पास बटन्स हैं ये टोटल जो है सात बटन है तो अभी जब बनाएंगे तो देखते हैं कितने बटन होल होते हैं और कितने बटन हम इसमें से यूज कर पाते हैं ये टोटल मेरे पास सात बटन है कार्डिगन बनाने के लिए जो पिछला हिस्सा है उसके फंदे मैंने डाल रखे हैं ये जो फंदे हैं ये पेड़ वाले फंदे हैं और ये फंदे कैसे डलेंगे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहां से देख सकते हो पिछले हिस्से के लिए हमने जो फंदे डाले हैं वो है सेवेंटी नाइन स्टिचेज उनासी फंदे एक कम अस्सी सेवेंटी नाइन अपने पिछले हिस्से को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले दो दो करके अपने फंदों को काउंट करूँगी तो यहाँ से हम अपने फंदे जो हैं उनको काउंट करना शुरू करते हैं दो 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 करके काउंट करते हुए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह अच्छा, बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अठत्तीस चालीस बयालीस चौतालीस छियालीस अठतालीस पचास बावन चौवन छप्पन अट्ठावन साठ बासठ चौसठ छियासठ अड़सठ सत्तर बहत्तर चौहत्तर छिहत्तर अठहत्तर और उनासी तो ये टोटल मेरे पास उनासी फंदे हैं हम जो है अपना बॉर्डर शुरू करेंगे उनासी फंदों के साथ ये जो और ऊपर भी हमने कोई फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है हमने एंड तक इन्हीं फंदों के साथ ही अपनी बुनाई को पूरा करना है अभी जो हम इसमें लेस पैटर्न डालेंगे उसको मैं ऑलरेडी जो है उसका वीडियो एक ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी लेकिन अभी जो मैं लेस पैटर्न इसमें डाल रही हूँ उसमें आ, थोड़ा सा चेंज है वो चेंज ये है कि आ, जो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ उसमें बारह के मल्टीपल में फंदे चाहिए और यहाँ पे जो मैं डाल रही हूँ इसमें दस के मल्टीपल में फंदे चाहिए क्योंकि ये बच्चे के लिए है तो मैं इसका जो आ, लेस का आ, ये जो नीचे इसका कट वर्क बनेगा उसको थोड़ा छोटा रखना चाहती हूँ इसीलिए मैंने जो फंदे हैं वो बारह के मल्टीपल की बजाय दस के मल्टीपल में रखे हैं तो यहाँ से मैं इसको शुरू करूँगी पहले जो हम अपना बॉर्डर बनाएंगे उसमें हम मैंने पांच गाटे बनानी है बॉर्डर जो होगा हमारा चाहे वो अगले हिस्से हैं चाहे पिछला हिस्सा है चाहे बाजू है पांच गाटे का हम बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पे जो पहली स्लाइड मैं बनाऊंगी सीधी तरफ से उसी को हमने सीधी तरफ से पांच बार दोहराना है उल्टी तरफ कोई पैटर्न नहीं है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे पहला फंदा चाहे सीधी तरफ है चाहे उल्टी तरफ है उसे हमने बिना बुने उतारना है पहला फंदा बिना बुने उतारा उसके बाद हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो और ये तीन तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन को पीछे करके एक फंदा सीधा अब ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटना है हमें और इसके बाद हमने तीन फंदे जो है वो उल्टे बुनने हैं एक दो और ये तीन तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद तीन फंदे हमने यहाँ पे इकट्ठे बुनने हैं तीन फंदे इकट्ठे बुनने के बाद तीन फंदे उल्टे एक दो तीन उनको सिलाई के ऊपर लपेटा और एक फंदा सीधा तो यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ जो सीधे फंदे हैं उनके साथ एक एक नया फंदा बन जाएगा बीस में जो हमने तीन फंदे इकट्ठे बुने हैं तो जो दो फंदे हमारे यहां पे कम हुए वो साइडों पे एक एक बढ़ जाएगा अब फिर उनको सिलाई के ऊपर लपेटा तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने तीन फंदे उल्टे एक एक करके एक दो और ये तीन उनको सिलाई के ऊपर लपेटा एक फंदा सीधा उनको सिलाई के ऊपर लपेटा तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन और ये तीन फंदे इकट्ठे बुने अब तीन फंदे एक एक करके एक दो और ये तीन ये जो हमारा लेस पैटर्न है ये स्टिच रो में हम बना रहे हैं एक फंदा सीधा उनको सिलाई के ऊपर लपेट के उनको सिलाई के ऊपर लपेटा तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने तीन फंदे एक एक करके बुने एक दो और ये तीन उनको सिलाई के ऊपर लपेटा एक फंदा सीधा उनको सिलाई के ऊपर लपेटा तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने तीन फंदे एक एक करके बुने एक दो और ये तीन एक फंदा सीधा बुना उनको सिलाई के ऊपर लपेटा तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने तीन फंदे एक एक करके बुने एक दो और ये तीन उनको सिलाई के ऊपर लपेटा एक फंदा सीधा उनको सिलाई के ऊपर लपेटा और तीन फंदे एक एक करके बुने एक दो और ये दो, तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने तीन फंदे एक एक करके बुने एक दो और ये तीन उनको सिलाई के ऊपर लपेटा एक फंदा सीधा उनको अपनी तरफ किया तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा उल्टी सिलाई सारी हम उल्टी बुनेंगे उल्टी सिलाई हमने बना ली है तो ये दो सिलाई बुनने के बाद हमारे पास ये एक गार्टर स्टिच रो बनी है इसी तरह से हम चार गाटर स्टिच रो और बनाएंगे और पांच गाटर स्टिच रो की लेंथ जो है हमारे बॉर्डर की उसको पूरा करेंगे तो अभी जिस तरह से पिछली सीधी सिलाई हमने डाली थी वैसे ही हम बाकी की चार सीधी सिलाई भी डालेंगे उल्टी तरफ से तो सारे फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं तो अभी मैं पांच गाटर स्टिच रो की लेंथ जो है वो पूरी करूंगी हमारा जो बॉर्डर है वो पांच गाठा सिंच रो का है तो जिस तरह से पहली सिलाई मैंने बनाई है सीधी उसी तरह से बाकी के फंदे बाकी की जो चार सिलाईया है चार सीधी और चार उल्टी चार स्लाइया सीधी तरफ से और चार सिलाई उल्टी तरफ से बुनते हुए मैं यहाँ पे अपना जो पांच स्टिच रो की लेंथ का हमारा जो बॉर्डर है उसको पूरा करूंगी ये हमने चार गार्टर स्टिच रो की लेंथ बना ली है अपने बॉर्डर की यहां से हम काउंट करेंगे एक दो तीन और चार एक गार्टर स्टिच रो की लेंथ अभी हमने बनानी है तो अभी हम जो है लास्ट गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाएंगे और इसी के साथ में जो ये लेस पैटर्न बना रही हूं इसकी एक सिंपल सी और इजी सी ट्रिक भी आपको बताऊंगी ये जो लास्ट गार्टस रो हम बना रहे हैं उसमें हम ये पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे उसके बाद ये तीन फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है एक दो और ये तीन इसके बाद ये एक एक फंदा सीधा है इसे सीधा बुनेंगे एक फंदा सीधा बुनने के बाद अभी हमने तीन फंदे उल्टे बुनने हैं हमारा जो बुनने वाला ऊन है वो पिछली तरफ है सिलाई के पीछे है लेकिन ये फंदे हमने तीन जो है वो गाटा रो पैटर्न से बनाने हैं तो हमने यहां पे ऊन को आगे नहीं लेके आना ऊन को हमने पीछे ही रखना है ऊन को पीछे रखे हुए ही हम ये एक एक करके तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो और ये तीन यहां पे जो फंदा हम ऊन लपेट के बनाते हैं यहां हमने ऊन को लपेटा नहीं ऊन हमारी जो है वो पीछे थी पीछे ऊन ही रखे हुए हमने यहाँ पे जब उल्टे फंदे बुनने शुरू किए तो यहाँ अपने आप ही जो ऊन है वो सिलाई के ऊपर लिपटी और हमारा एक यहाँ नया फंदा बन गया अब ये तीन फंदे उल्टे बुनेंगे इकट्ठे तीन का एक अब फिर तीन फंदे बुनेंगे एक एक करके एक दो और ये तीन अब यहाँ पे भी हमें जो है एक नया फंदा बनाना है ऊन लपेट के तो ये फंदा हमने सीधा बुनना है इन फंदों को हमने उल्टा बुना तो ऊन हमारी जो है वो हमारी तरफ है आगे की तरफ है इसे हम ये फंदा सीधा बुनने के लिए पीछे नहीं लेके जाएंगे इसे आगे ही रखेंगे इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे ऊन स्लाई पे भी लिपटी एक नया फंदा बना और इस फंदे को हमने सीधा बुना ऊन हमारी यहां पे पीछे चली गई स्लाई के बैक पे हमने जो अगले फंदे हैं इनको उल्टा बुनना है उनको हम अपने आप नहीं आगे लेके आएंगे जब हम इन फंदों को बुनेंगे ये अपने आप ही आगे आ जाएगी हम नहीं इसको आगे लेके आएंगे उनको पीछे ही रखेंगे सीधा फंदा बुनने के बाद और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक एक करके एक दो और ये तीन अब यहाँ पे हमने ये जो हमारा सीधा फंदा है इसके बाद ऊन को हमने नहीं लपेटा स्लाइड पे जब हमने सीधा फंदा बुनने के बाद ऊन पीछे ही थी यहां फंदे उल्टे बुने तो हमारी ऊन अपने आप ही आगे आगे आ गई तो यहां हमें इस पैटर्न में हमने जो ऊन है उसको खुद आगे पीछे नहीं करना फंदों को एज इट इज ही बुनते जाना है जो उल्टे हैं उनको उल्टे बुनते जाना है सीधे फंदे को सीधा बुनते जाना है ऊन को नहीं छेड़ना सीधा फंदा बुनने के लिए उनको पीछे नहीं करना उल्टा फंदा बुन, बुनने के लिए उनको आगे नहीं करना बस फंदे को बुनना है और उसके बाद उन अपने आप ही जो है आगे पीछे होगी अब तीन फंदे उल्टे बुने उन हमारी तरफ ही है एक फंदा सीधा उन पीछे की तरफ चली गई अब तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन उन यहां पे आगे आ गई तो हमने उनको आगे पीछे नहीं हिलाना है ये खुद ही जब हम बुनते जाएंगे यहाँ पे ऊन अपने आप सिलाई के ऊपर लिपट के एक नया फंदा भी बनाती जाएगी और जो है उल्टा फंदा बुनने के लिए आगे आ जाएगी और सीधा फंदा बुनने के लिए पीछे चली जाएगी तो यहाँ पे एक फंदा उल्टा दूसरा और तीसरा ऊन हमारी तरफ ही है एक फंदा सीधा ऊन पीछे की तरफ है तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन का एक तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन ऊन हमारी तरफ है एक फंदा सीधा ऊन पीछे की तरफ ही है तो तीन फंदे उल्टे तो यहां पे मैंने एक बार भी ऊन को पीछे या आगे नहीं किया बस हम जो है अपने पैटर्न को बुन रहे हैं कि कहाँ पे हमने फंदे उल्टे बुनने हैं कहाँ फंदे सीधे बुनने हैं ऊन अपने आप ही हमारी जो है आगे पीछे मूव करती है और इस जब इस तरह से ऊन आगे पीछे अपने आप मूव करती है तो नया फंदा भी बनता जाता है ऊन को सिलाई के ऊपर हमें लपेटने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये हो गए तीन का एक तीन फंदे उल्टे अगर इस फंदे को हमने ऊन लपेट के सीधा बुनना है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम उनको पीछे करेंगे सिलाई पे लपेटेंगे उनको उसके बाद सीधा बुनेंगे लेकिन यहाँ हम इस तरह से नहीं कर रहे ऊन को अपनी तरफ ही रखा है और इस फंदे को सीधा बुना और यहाँ ये जो ऊन है सिलाई के ऊपर अपने आप ही लिपट गई अब ये ऊन पीछे की तरफ है तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन अब यहाँ पे भी ये जो ऊन है सीधे फंदे के बाद सिलाई के ऊपर अपने आप ही यहाँ लिपट गई तीन फंदे उल्टे इकट्ठे बुने और ये एक एक करके तीन फंदे बुने ऊन हमारी तरफ ही है एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे तीन फंदे इकट्ठे बुने तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा लास्ट में ये जो सीधा फंदा है इसके इस तरफ कोई जाली नहीं है तो यहां हम इसमें उनको जो है खुद अपनी तरफ जो है लेके आएंगे सिलाई के आगे तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा इस तरह से बार बार जो है उनको सिलाई पे लपेटने की जहमत नहीं उठानी पड़ती तो आराम से जो है बहुत इजी हमारा जो ये पैटर्न है वो बन जाता है उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी तो ये हमने उल्टी सिलाई जो है वो पूरी बना ली है और हमारा ये बॉर्डर जो है वो कम्प्लीट हो गया यहाँ से इसकी जो गाटस इच रो है वो काउंट करते हैं एक दो तीन चार पंच अब पांच गार्टा सी श्रो की लेंथ के बाद इसका जो बाकी का हिस्सा होगा वो हम प्लेन बनाएंगे हमें अपने बॉर्डर को हाईलाइट करना है तो बाकी का हिस्सा प्लेन रखेंगे अगर हम ऊपर कोई भी डिजाइन डालते हैं तो हमारा ये जो बॉर्डर है वो हाईलाइट नहीं होगा तो यहाँ पे आ, हमारा जो ये कार्डिगन है इसका मेन हिस्सा है ये बॉर्डर इसकी मेन जो आ, ब्यूटी है जो ये इसका मेन ब्यूटी ब्यूटी पार्ट जो है इसका वो है इसका बॉर्डर तो बाकी का हिस्सा हम इसका प्लेन बुनेंगे सीधी तरफ से सारा सीधा और उल्टी तरफ से सारा उल्टा अब ये बॉर्डर जो है एक बार मैं इसकी लेंथ को मेजर करूंगी बॉर्डर तो हमने बनाया है ये गार्टर शो काउंट करते हुए बाकी का हिस्सा हमारा प्लेन बनेगा तो यहाँ पे एक बार मैं इस बॉर्डर को मेजरिंग टेप से मेजर करूंगी हमारा ये जो कार्डिगन है इससे हम मेजरिंग टेप से मेजर कर रहे हैं और मेजर करेंगे हम इसको सेंटीमीटर्स में ये जो इसकी लेंथ है हम इस तरह से मेजर करेंगे इसकी लेंथ जो है हमारी अप्रोक्सीमेट चार सेंटीमीटर ये जो लेंथ है हमारी अप्रॉक्सीमेट चार सेंटीमीटर है चार सेंटीमीटर पूरी 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 चार सेंटीमीटर मतलब कि लगभग चार सेंटीमीटर ही इसको हम मान के चलेंगे हमें जहाँ से आम होल बनाना है कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं वहाँ तक टोटल लेंथ जो चाहिए वो चाहिए उन्नीस सेंटीमीटर नाइनटीन सेंटीमीटर्स तो ये चार सेंटीमीटर की लेंथ हमारी जो है वो बन चुकी है टोटल लेंथ हमें चाहिए उन्नीस सेंटीमीटर की तो बाकी की हमारी ये जो लेंथ होगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो पंद्रह सेंटीमीटर की लेंथ हमें और बनानी है यहाँ से जो कि हम प्लेन बनाएंगे सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुनेंगे उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे तो अभी मैं ये जो मेरा बॉर्डर है बॉर्डर के बाद की जो प्लेन लेंथ है पंद्रह सेंटीमीटर की उसको पूरा करूंगी सीधी तरफ से सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे और उल्टी तरफ के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे ये जो पिछला हिस्सा कार्डिगन का हम बना रहे थे इसकी 19 सेंटीमीटर की लेंथ हमें चाहिए थी जो कि हमने पूरी कर ली है यहाँ पे एक बार मैं अपनी जो लेंथ है उसको मेजरिंग टेप से मेजर करूँगी टोटल लेंथ हमें चाहिए 19 सेंटीमीटर तो यहाँ से हम इसको जो है देखते हैं 19 सेंटीमीटर की लेंथ हमारी होगी हमारी उन्नीस सेंटीमीटर की लेंथ अब इसके बाद हम इसका अगला हिस्सा शुरू करेंगे जिसमें कि हमने इसके जो कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं हम ये जो कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाएंगे इसकी सिमेट्री को बहुत ध्यान से याद रखना जिस सिमेट्री में हम ये फंदे घटा रहे हैं क्योंकि जब हम बाजू बनाएंगे तो बाजू के जो फंदे घटेंगे ऊपर बाजू की शेप देने के लिए उसकी केप बनाने के लिए वो इसी सिमेट्री में घटेंगे जिस सिमेट्री में हम इसके अगले और पिछले हिस्सों के फंदे घटाएंगे तो यहां पे दोनों तरफ हम फंदे घटाएंगे इस तरफ जो सीधी तरफ के फंदे घटेंगे वो सीधी स्लाइड में घटेंगे और उल्टी तरफ के फंदे जो घटेंगे वो उल्टी स्लाइड में घटेंगे तो स्टार्ट यहां से करेंगे सबसे पहले हमने तीन फंदे घटाने हैं पहला फंदा बिना बुने उतारा उसके बाद ये एक फंदा घटाया फिर ये दूसरा फंदा घटाया और ये तीसरा फंदा घटाया तो ये हमने पहले तीन फंदे घटाए इसके बाद हमारी पूरी सिलाई जो है वो हम प्लेन बुनेंगे एंड तक इसके बाद हमने कोई फंदा नहीं घटाना है अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ तीन फंदे हम इस तरफ घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा दूसरा फंदा उल्टा बुना और ये एक फंदा घटाया ये दूसरा फंदा घटाया और ये तीसरा फंदा घटाया इस तरह से हमने दोनों तरफ तीन तीन फंदे घटा लिए हैं बाकी की पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी बिल्कुल एंड तक अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ अब हम घटाएंगे दो फंदे पहला फंदा बिना बुने उतारा दूसरा फंदा सीधा बुना ये एक फंदा घटाया और ये दूसरा फंदा घटाया तो पिछली बार हमने जब ये फंदे घटाने शुरू किए थे तब तीन फंदे घटाए थे दूसरी सिलाई में हमने दो फंदे घटाए हैं पूरी सिलाई प्लेन बुनी जाएगी बिल्कुल एंड तक अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ यहाँ भी दो फंदे घटाएंगे। ये हो गया एक फंदा और ये हो गया हमारा दूसरा फंदा पूरी सिलाई प्लेन बुनेंगे बिल्कुल एंड तक अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ यहाँ पे दो फंदे दोबारा घटाएंगे एक फंदा और ये दूसरा फंदा पूरी सिलाई प्लेन बुनेंगे बिल्कुल एंड तक बुनाई के उल्टी तरफ यहाँ फिर दो फंदे घटाएंगे एक और ये दो बाकी की पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी अभी हम आगे फिर अपने बुनाई के सीधी तरफ जब हमने फंदे घटाने शुरू किए थे सबसे पहले हमने घटाए तीन फंदे उसके बाद दो फंदे फिर दो फंदे मतलब कि तीन फंदे एक बार दो दो फंदे दो बार अब यहाँ पे हम घटाएंगे एक फंदा एक एक फंदा दो बार घटाना है तो यहाँ इस सिलाई में पहले हम एक फंदा घटाएंगे, पूरी सिलाई बाकी की हमारी जो है वो प्लेन बुनी जाएगी अभी आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ यहाँ भी एक फंदा घटाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारा दूसरा फंदा उल्टा बुना और ये एक फंदा घटाया पूरी सिलाई बाकी की हमारी प्लेन बुनी जाएगी ये हम कंधे की शेप देने के लिए लास्ट फंदा घटा रहे हैं एक फंदा एक फंदा घटाया सीधी तरफ से और ये बाकी की सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी ये आगे बुनाई की उल्टी तरफ यहां भी एक फंदा घटाएंगे ये इस तरफ का लास्ट फंदा है जो हम घटा रहे हैं यह घटाया एक फंदा और बाकी की पूरी सिलाई हम वैसे ही बुनेंगे प्लेन जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं तो ये हमने दोनों तरफ कंधे की शेप देने के लिए ये फंदे ये फंदे फंदे घटा लिए हैं हैं जो हमने घटाए इसकी सिमेट्री है सबसे पहले हम दोनों तरफ हमने दोनों तरफ तीन तीन फंदे घटाए फिर दो दो फंदे घटाए उसके बाद फिर दो दो फंदे घटाए फिर एक एक फंदे एक फंदे दो बार दोनों तरफ घटाए तो इस तरह एक तरफ के अगर हम फंदों की काउंटिंग करें जो हमने घटाए हैं वो है तीन दो पांच दो सात आठ नौ एक तरफ नौ फंदे घटाए हैं इसी तरह से दूसरी तरफ भी तीन दो पांच दो सात आठ नौ तो नौ फंदे ही हमने इस तरफ घटाए हैं नाइन नाइन स्टिचेस जिसकी सिमेट्री है थ्री टू टू वन वन तो नौ फंदे इस तरफ नौ फंदे इस तरफ तो टोटल फंदे जो हमने घटाए हैं वो हुए अट्ठारह फंदे एटीन डिक्रीज किए हैं हमने जब अपना ये जो पिछला हिस्सा कार्डिगन का शुरू किया था तो फंदे थे हमारे पास उनासी फंदे 79 नाइन स्टिचेस जिसमें से अट्ठारह फंदे हमने घटा दिए हैं बाकी हमारे पास बचते हैं फंदे सिक्सटी वन स्टिचेस इकसठ फंदे तो यहाँ एक बार हम अगली बुनाई जो हमारी लंबाई है बुनाई की वो शुरू करने से पहले अपने फंदों को काउंट करेंगे तो ये मैं दो दो करके अपने फंदे काउंट करूँगी दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अट्ठतीस चालीस बयालीस चौतालीस छियालीस अड़तालीस पचास बावन चौवन छप्पन अट्ठावन साठ और एक इकसठ तो हमारे पास ये हुए इकसठ फंदे। अब यहाँ पे हम एक बार मेजरिंग टेप से अपनी जो लेंथ है उसे भी मेजर करेंगे कि अब तक हमारी जो लेंथ है वो कितनी हुई तो यहां से जो है हम अपनी लेंथ है उसको मेजर करेंगे तो हमारी अब तक की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है यह है बाईस सेंटीमीटर की लेंथ 22 सेंटीमीटर की, की लेंथ हमारी है जहां तक हम अपने हमने अपने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटा लिए हैं स्टार्ट से लेके वहां तक की इसके बाद हमें जो लेंथ चाहिए जो अगली लेंथ हमने बनानी है वो हमें चाहिए तीस सेंटीमीटर की मत यह, यहां से ये यह टोटल हमें लेंथ चाहिए तीस सेंटीमीटर की अभी यहाँ तक हमारी जो लेंथ है वो है बाईस सेंटीमीटर तो अब हम ये जो है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ सेंटीमीटर की लेंथ हम और बनाएंगे ये जो हमारी आ, कंधे की शेप हमने देखे जो फंदे घटाए हैं इस लंबाई के बाद ताकि हमारे पास तीस सेंटीमीटर की टोटल लेंथ हो अभी हमने ना कोई फंदा बढ़ाना है ना घटाना है जो हमने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने थे वो घटा लिए हैं इसके बाद का हिस्सा हमने प्लेन बनाना है बाईस सेंटीमीटर की लेंथ हमारी जो है वो हम बना चुके हैं आठ सेंटीमीटर की लेंथ हमें और बनानी है प्लेन बुनते हुए तो अभी मैं इसी तरह से सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुनते हुए उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ये जो प्लेन हिस्सा मैं बना रही हूँ आठ सेंटीमीटर की लेंथ उसकी पूरी करूँगी आम होल के फंदे घटाने के बाद ये जो कंधे की शेप देने के लिए हमने फंदे घटाए हैं ये फंदे घटाने के बाद हमें आठ सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पे एक बार हम अपनी जो ये लेंथ है इसको मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे ये है वो लास्ट फंदा जो हमने घटाया था इसके बाद हम ये अपनी लेंथ है जो वो मेजर करेंगे यहाँ से और ये है आठ सेंटीमीटर की लेंथ अब एक बार जो नीचे से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अब तक जो हमने बुनाई की है उसकी भी हम एक बार मेजरिंग कर लेते हैं अपने मेजरिंग टेप से तो ये जो हमारी लेंथ है ये है तीस सेंटीमीटर तीस सेंटीमीटर की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो अपनी लेंथ बनाएंगे वो होगी हमारी चार गाटा स्टिच रो की उसके लिए आ, सबसे पहले हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे तीन हिस्सों में हमारे पास ये टोटल इकसठ फंदे हैं सिक्सटी वन स्टिचेस तो सिक्सटी वन स्टिचेस को सबसे पहले हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे ये मेरे पास स्टिच मार्कर है, तो मैं यहाँ पे अपने फंदों को डिवाइड करूंगी तीन हिस्सों में और ये हमारे तीन हिस्से होंगे सोलह फंदे इस तरफ होंगे सोलह फंदे हमारे इस तरफ होंगे और बीच में होंगे हमारे पास उनतीस फंदे ट्वेंटी तो इस तरफ से हम अपने फंदे जो है उनको काउंट करना शुरू करते हैं दो दो करके मैं अपने फंदों को काउंट करूंगी दो दो चार दो छ आठ दस बारह चौदह सोलह और यहाँ पे हम अपनी मार्किंग लगा देंगे ये होगी हमारी एक साइड की मार्किंग इसी तरह से हम इस तरफ भी सोलह फंदे काउंट करेंगे और इनको भी मैं दो दो करके काउंट करूंगी यहाँ से दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह और यहाँ पे भी हम अपनी मार्किंग लगा देंगे सोलह तो सोलह फंदे दोनों तरफ हो गए टोटल बत्तीस फंदे सिक्सटीन 16 स्टिचेसिक्सटीन 16 स्टिचेस टोटल थर्टी टू स्टिचेस और बीच में है हमारे पास उनतीस फंदे ट्वेंटी नाइन स्टिचेस अब जो बीच वाले फंदे हैं हमारे इनको हमने गाटा सीचरों पैटर्न से बुनना है और ये जो साइडों के फंदे हैं इनको एज इट इज ही बुनना है प्लेन जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं और ये टोटल चार गाटा सीचरो की लेंथ हम बनाएंगे हमें जो नेक्स्ट अपनी टोटल लेंथ चाहिए पिछले हिस्से की वो चाहिए बत्तीस सेंटीमीटर बत्तीस या तैतीस सेंटीमीटर तक तो उसके लिए मैं अभी चार गाठा सी श्रो बनाऊंगी अगर तो चार गाठा सी श्रो में ये लेंथ पूरी हो जाती है तो ठीक है नहीं तो फिर एक गाठा सी श्रो हम और बनाएंगे तो पहले हम चार गाठा सी श्रो बनाएंगे ये है सोलह फंदे और ये बीच वाले जो उनतीस फंदे हैं इनको मैं गाटा सीचड़ो पैटर्न से बनाऊंगी एक बार पैटर्न शुरू करने के बाद हमें जो आ, हमारे स्टिच मार्कर है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उनको हम निकाल देंगे ये जो पहली सीधी सिलाई है इसमें उनतीस फंदे उल्टे होंगे सोलह सोलह फंदे दोनों तरफ हम सीधे बुनेंगे तो ये मैं बीच वाले उनतीस फंदे हैं जिनको मैं ये गाटा शीचड़ो पैटर्न के लिए उल्टा उल्टा बना रही हूँ सारे फंदे ये जो उनतीस के उनतीस फंदे हैं इनको मैं उल्टा बुनूंगी ये जो हम गाटा स्टिच रो बना रहे हैं बीच में अपने पिछले हिस्से के सेंटर में ये हमारा पिछले हिस्से का गले का बॉर्डर होगा तो यहाँ पे हम ये उनतीस फंदे जो हैं उनको उल्टा बना रहे हैं ये गए उल्टे उनतीस फंदे और ये बाकी के लास्ट के सोलह फंदे जो होंगे वो हमारे उनको हमने सीधा बुनना है ये हमारे कंधे के फंदे होंगे तो हमने तीन हिस्सों में फंदे डिवाइड किए सिक्सटी वन थे हमारे पास इकसठ फंदे जिनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया सोलह सोलह फंदे दोनों तरफ और उनतीस फंदे बीच में सिक्सटीन स्टिचेस सिक्सटीन स्टिचेस हमारे साइडों पे और बीच में सेंटर में है हमारे पास ट्वेंटी नाइन उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन, हमारी बुनी जाएगी सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं तो इसी तरह से सीधी तरफ से सोलह सोलह फंदे सीधे बुनते हुए और उनतीस फंदे उल्टे बुनते हुए और उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुनते हुए मैं चार गाटस रो की लेंथ जो है उसको पूरा करूँगी चार गाटस रो की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है जिसमें कि दोनों तरफ सोलह सोलह जो फंदे हैं वो है प्लेन और बीच में उनतीस फंदे जो हैं वो गाटस रो पैटर्न से हैं अभी हम एक बार लास्ट में इसकी जो है कंप्लीट मेजरमेंट ले लेते हैं कि इसकी मेजरमेंट कितनी है जो फाइनल मेजरमेंट है इसकी बिल्कुल एंड तक वो कितनी है तो यहां से इसको हम ये है हमारी मेजरिंग टेप ये यहां से ये यह है बत्तीस सेंटीमीटर इसी के साथ हमारा जो पिछला हिस्सा है कार्डिगन का वो कंप्लीट हुआ अब हम बनाएंगे अपने कार्डिगन का अगला हिस्सा तो इसे हम अब रखते हैं साइड पे और अगला जो फ्रंट है उसको शुरू करते हैं अगले हिस्से में हम डालेंगे फोर्टी एट स्टिचेस 48 फंदों के साथ शुरू करेंगे इसे हम अगले हिस्से को जिसमें से चालीस फंदे तो है मेन हिस्से के और आठ हैं हमारे बटन पट्टी के फंदे तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले 48 फंदे फोर्टी एट स्टिचेस डालूंगी जिस तरह के फंदे हमने पिछले हिस्से में डाले थे बिल्कुल वैसे और ये जो पहला हिस्सा हम बना रहे हैं इसमें हम बटन होल भी बनाएंगे इसकी बटन पट्टी में बटन पट्टी साथ ही बनाएंगे इसकी और इसमें हम एक्स्ट्रा वूल नहीं नीचे छोड़ेंगे तो इसलिए ये जो है मैंने वूल बहुत कम ली है फंदे डालने के लिए फोर्टी एट स्टिचेस अड़तालीस फंदे डालेंगे इसमें ये हमने अपनी सिलाई में अड़तालीस फंदे डाल लिए हैं अपना बॉर्डर शुरू करने से पहले बॉर्डर का जो पैटर्न है वो शुरू करने से पहले हम अपने फंदों को दो दो करके काउंट करेंगे ये जो अड़तालीस फंदे हैं इसी में हमारे आठ फंदे हैं बटन पट्टी के पिछला हिस्सा जो था उसके जो हमारे फंदे थे 79 नाइन थे उनासी फंदे तो उनासी का हाफ़ जो है वो हमने अगले दोनों हिस्सों में हाफ़ एक तरफ और हाफ एक तरफ फंदे लेने हैं मतलब कि आ, उनको राउंड फिगर में हम आ, अगर हम करेंगे तो चालीस चालीस फंदे हमारे जो है वो दोनों हिस्सों में आएंगे तो एक हिस्से में मेन पार्ट जो है हमारा उसके फंदे हैं चालीस और आठ फंदे हैं हमारे बटन पट्टी के तो टोटल हुए हमारे पास अठतालीस फंदे अब सबसे पहले हम यहाँ पे दो दो करके अपने फंदों को काउंट करेंगे दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अठत्तीस चालीस बयालीस चौतालीस छियालीस अठतालीस फोर्टी एट स्टिचेस अब यहाँ से हम अपना जो लेस पैटर्न है पॉर्डर पैटर्न है वो शुरू करेंगे हमारी जो बटन पट्टी है वो इस तरफ है तो इस तरफ से हम अपना जो है बॉर्डर का डिज़ाइन जो है उसको शुरू करेंगे पहला फंदा बिना बुने उतारा उसके बाद तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन एक फंदा सीधा उनको पीछे ही रखेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुनेंगे तीन का एक अब फिर तीन फंदे बुनेंगे एक दो तीन उनको अपनी तरफ ही रखेंगे एक फंदा सीधा उनको पीछे ही रखेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन अब तीन फंदे इकट्ठे बुनेंगे तीन का एक तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुनेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन एक फंदा सीधा अब यहाँ पे एक बार हम देख लेंगे कि हमारे पास यहाँ कितने फंदे हैं यहाँ पे हैं टोटल फंदे दो चार छ आठ दस बारह और एक तेरह ये तेरह फंदे हैं इन तेरह फंदों में आठ फंदे हैं हमारे बटन पट्टी के और पांच फंदे हैं हमारे डिजाइन के तो ये फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे ये एक फंदा सीधा और ये तेरह के तेरह फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह इस सिमेट्री को हम ध्यान में रखेंगे जो दूसरा हिस्सा हम बनाएंगे वो हमारा इस तरफ से शुरू होगा तो उसमें हमने स्टार्टिंग में तेरह फंदे जो है वो उल्टे बुनने हैं अब ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी पांच गाठा सी का हमें बॉर्डर बनाना है जिस तरह से हमने पिछले हिस्से का बनाया था और इसकी जो चौथी गाठा सी श्रो होगी उसमें हम बटन होल भी बनाएंगे तो ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी जिस तरह से हमने इसकी पहली गाटा सिंच बनाई है उसी तरह से हम बाकी की चार गाटा सींच भी बनाएंगे और पांच गाटा सिंच की लेंथ का हम अपना बॉर्डर बनाएंगे जिसमें चौथी गाटा सिंच में सी हम बटन होल भी बनाएंगे तो अभी मैं अपनी पांच गाटा सिंच की लेंथ जो है उसको पूरा करूंगी तीन गाटसिचरों की लेंथ हमने बना ली है चौथी गाठे सी रो में हम बटन होल बनाएंगे तो यहाँ पे ये मैं चौथी गाठे सी रो की शुरुआत कर रही हूँ इसके जो एंड में हमारी बटन पट्टी है उसमें हम बटन होल भी बनाएंगे बाकी के फंदे वैसे ही बुनने हैं जिस तरह से हमने पहली जो अपनी गार्ठे सी रो की शुरुआत की थी पहली सीधी तरफ से सीधी सिलाई बुनी थी बिल्कुल वैसे ही और एंड के जो आठ फंदे होंगे उनमें हम अपना बटन होल बनाएंगे क्योंकि जो आठ फंदे हैं वो हमारी बटन पट्टी के फंदे हैं तो आठ फंदों के सेंटर में हमने बटन होल बनाना है तो ये हम चौथी गाटा सिचरों में बना रहे हैं अपना बटन होल पहला बटन होल तो ये हो गया हमारे पैटर्न के फंदे जो कि हम अपने लेस बॉर्डर के लिए बना रहे हैं लास्ट के आठ फंदों के सेंटर में हमने बटन होल बनाना है ये फंदे हमारे पास हैं तेरह दो चार छ आठ दस बारह और तेरह तेरह में से जो पहले आठ फंदे हैं ये लास्ट वाले फंदे जो आठ हैं इनमें हमने बटन होल बनाना है तो दो चार छ और आठ ये हम पांच फंदे जो हैं उनको बुनेंगे पहले एक दो तीन चार और ये पाँच और बाकी बचे हमारे पास आठ फंदे दो चार छः और आठ आठ फंदों के सेंटर में तो आठ फंदों का जो सेंटर होगा वो होगा तीन फंदे ये तीन फंदे ये और बीच के दो फंदे तो तीन फंदे बुनेंगे पहले एक दो और ये तीन और इन दो फंदों पे हम अपना बटन होल बनाएंगे इसी तरह से हमने जो बाकी बटन होल भी बनाने हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाने जिस तरह से हमने ये पहला बटन होल बनाया है आठ फंदों के सेंटर में और ये है हमारी उल्टी सिलाई पूरी की पूरी उल्टी बुनेंगे इसके बाद हमने एक जो है गाटर सीचरों की लेंथ और बनानी है अपने बॉर्डर को पूरा करने के लिए पांच गाटर सिच रो की लेंथ जो है बॉर्डर की हमने कंप्लीट कर ली है जिसमें कि ये है हमारा लेस पैटर्न वाला हिस्सा जो मेन हिस्सा है हमारे अगले हिस्से का और ये है बटन पट्टी वाला हिस्सा इसमें आठ फंदे तो हैं बटन पट्टी के बाकी जो फंदे हैं वो हैं मेन हिस्से के ये जो हमने ये बॉर्डर बनाया है पांच गाटर स्टिच रो का पिछला हिस्सा जो था हमारा उसका बॉर्डर भी हमने बिल्कुल सेम बनाया था इस बॉर्डर के बाद हमने प्लेन बनाना है ऊपर पंद्रह सेंटीमीटर और इसकी लेंथ होगी हमारी चार सेंटीमीटर पिछला जो हमने हिस्सा बनाया था उसमें जहाँ से हमने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाए थे आम होल के वहाँ तक की लेंथ हमें चाहिए उन्नीस सेंटीमीटर की तो ये जो है मैं इसको एक बार अपने मेजरिंग टेप से मेजर कर लेती हूँ तो ये लेंथ है हमारी चार सेंटीमीटर की इसके बाद हमने पंद्रह सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो और बनानी है जिसमें कि ये जो बीच वाले फंदे हैं मेन हिस्से के उनको प्लेन बनाएंगे और ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हमने गाटा सीचरों पैटर्न से बनाना है कोई भी फंदा ना बढ़ाना है अभी ना घटाना है तो ये जो बॉर्डर के ऊपर मेन हिस्से के फंदे हैं उनको हम प्लेन बनाएंगे जिसमें कि सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं तो ये है प्लेन वाला हिस्सा जिसमें कि सारे फंदे मैं सीधे बुन रही हूं लास्ट के जो होंगे हमारे आठ फंदे उनको हमने गार्टा सीश्रो पैटर्न से बनाना है तो ये मैं फंदों को प्लेन बना रही हूं जो कि बॉर्डर के मेन हिस्से में है जो हमारा आ, अगले हिस्से का मेन हिस्सा है तो ये जो है इन फंदों को अब देखते हैं यहाँ कितने फंदे बचते हैं दो चार छ आठ तो एक फंदा और बनाया और ये बाकी के आठ फंदे हो गए हमारे बटन पट्टी के इनको हमने उल्टा बुनना है ये जो आठ फंदे हैं उनको तो हमने गाठा सिंचरों पैटर्न से बनाना है और बीच के जो चालीस फंदे हैं उनको हमने प्लेन बनाना है इसी तरह से ये आठ फंदे गाठा सिचरो में और ये बीच ए, ए, के चालीस फंदे जो हैं उनको प्लेन बुनते हुए सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए इसकी लेंथ हमने उन्नीस सेंटीमीटर करनी है जो कि हमारा पिछला हिस्सा है उसके बराबर होगी तो अभी मैं इसकी लेंथ जो है पिछले हिस्से के बराबर करूंगी जहां से हमने अपने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं ये जो अगला हिस्सा हम बना रहे थे इसकी लेंथ मैंने 19 सेंटीमीटर पूरी कर ली है इसकी जो ये 19 सेंटीमीटर लेंथ है ये हमारे पिछले हिस्से का जो कंधे तक का हिस्सा है उसके बराबर है तो यहां मैं इसकी जो लेंथ है उसको पिछले हिस्से के साथ जो है लगा के मेजर करूंगी ये है हमारा पिछला हिस्सा और ये है इसका इसकी वो लेंथ जहाँ तक हमने अपनी मेन लेंथ है हमारी ये मेन हिस्से की और यहाँ से हमने अपने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने शुरू किए थे तो यहाँ तक हम इसको मेजर करेंगे ये इस तरह से ये लेंथ हमारी यहाँ तक बिल्कुल सेम है तो दोनों लेंथ हमारी जो है पिछले हिस्से की और एक अगला हिस्सा जो हमने बनाया है वो वहां तक सेम है जहां से हमने अपने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं अब यहां से हम इसमें कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाएंगे जो हम इसका दूसरा हिस्सा बनाएंगे उसकी लेंथ हम ये जो हमारे गाटा रो है यहां तक इसको काउंट करेंगे तो मैं ये मार्किंग यहां पर लगा के रखूंगी अपनी जो गाटा सिच की है कि इतनी गाटा सिच हमें बनानी है दूसरे हिस्से की इसके इक्वल करने के लिए ये टोटल जो है ये बत्तीस गाटा सिच रो है उन्नीस सेंटीमीटर लेंथ के लिए तो दूसरा जो हिस्सा हम बनाएंगे उसकी जो बटन पट्टी होगी उसमें बत्तीस गाटा सिच रो की हम बटन बटन पट्टी की तरफ से लेंथ बनाएंगे इसके बराबर दूसरे हिस्से को करने के लिए मैं एक बार अपनी ये जो गाटा रोज हैं इनको काउंट करूँगी यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तो ये होगी टोटल बत्तीस का हम अपने फंदे घटाने शुरू करेंगे कंधे की शेप देने के लिए तो कंधे की शेप देने के लिए जो हमने फंदे घटाने हैं बिल्कुल वैसे घटाने हैं जिस तरह हमने अपने पिछले हिस्से की आ, आ, कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाए थे जिस सिमेट्री में वो फंदे घटाए थे उसी सिमेट्री में हमने इस, इस हिस्से के ये जो हमारा अगला हिस्सा है इसके फंदे घटाने हैं बटन पट्टी का हिस्सा जो है ये गले का हिस्सा है ये कंधे का हिस्सा है इस तरफ जो फंदे घटेंगे वो हमारे फंदे घटेंगे गले की शेप देने के लिए इस तरफ लिए हमारे फंदे घटेंगे कंधे की शेप देने के लिए तो पिछले हिस्से में सबसे पहले हमने तीन फंदे घटाए थे तो यहां मैं सबसे पहले तीन फंदे घटाऊंगी एक दो और ये तीन अब यहां पे हमने जो एक तरफ तो हमने अपने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने शुरू कर दिए हैं तो दूसरी तरफ जो लास्ट हमारी ये गार्टर स्टिच रो बनेगी इसके साथ उसमें हम बटन होल बनाएंगे अपना लास्ट ये मैं ऑलरेडी तीन बटन होल बना चुकी हूं तो यहाँ पे मैं अपना लास्ट चौथा बटन होल बनाऊंगी तो तीन फंदे घटाने के बाद हम अपनी बटन पट्टी तक आएंगे पूरी स्लाई बुनते हुए तो ये आगे हम अपनी बटन पट्टी पे और बिल्कुल सेंटर में बटन होल बनाएंगे एक दो तीन तीन फंदों के बाद उनको सिलाई के ऊपर लपेटा और ये दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे यहां बना हमारा एक बटन होल लास्ट तो इसमें हमने टोटल चार बटन होल बनाए हैं उल्टी सिलाई पूरी जो है हमारी वो उल्टी बनेगी पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे अब आगे बुनाई के सीधी तरफ तीन फंदे घटाने के बाद अब हमने घटाने हैं दो फंदे ये घटाया एक फंदा और यहाँ पे हमने घटाया दूसरा फंदा जब हमने दूसरी बार कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं तो इस तरफ जो आठ फंदे हैं हमारी पट्टी के इन फंदों को हम चार कर देंगे क्योंकि जो गला है हमारा उसके लिए हमें चार फंदों के ट, चार फंदों की पट्टी चाहिए और ये जो है हमारे पास आठ फंदे हैं तो इस इसलाई में हम एक तरफ कंधे की शेप देने के लिए दूसरी बार फंदे घटा रहे हैं और यहाँ पे हम ये जो हमारी बटन पट्टी है इसके फंदे जो है उनको चार करेंगे ये आठ फंदे हैं तो इनको हम चार फंदे बनाएंगे तो ये दो फंदे घटाने के बाद हम अपने फंदे बुनते हुए जो है अपनी बटन पट्टी तक आएंगे तो ये हम अपने फंदे बुनते हुए बटन पट्टी तक आ रहे हैं अब इन फंदों को हमने दो दो करके बुनना है दो फंदे इकट्ठे बुने दो फंदे इकट्ठे बुने ये दो फंदे इकट्ठे बुने और इन दो फंदों को भी हम इकट्ठा बुनेंगे तो यहाँ पे हमने जो है आठ फंदों के चार फंदे बना लिए अपनी बटन पट्टी के उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं अब आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे इस तरफ अब हमने दो फंदे घटाने हैं और ये जो बटन पट्टी वाली हमारी साइड है यहाँ पे हम जो गले की शेप देनी है वी शेप उसकी शुरुआत करेंगे तो इस तरफ मैं घटाऊंगी दो फंदे क्योंकि जो हमारे पिछला हिस्सा है उसकी सिमेट्री है तीन दो दो एक, एक तो इसको जो हमारा अगला हिस्सा है इसमें भी हम सिमेट्री सेम रखेंगे तीन दो दो उसके बाद एक एक तो यहाँ पे ये हो गया एक फंदा और ये दूसरा फंदा अब यहां से इनको बुनते हुए हम जो लास्ट के हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं वहां तक पहुंचेंगे उससे चार फंदे पहले तक तो ये हमारे पास बचते हैं यहां बटन पट्टी के बटन पट्टी के चार फंदे और ये चार फंदे तो दो फंदे हम इस तरह से बुनेंगे उसके बाद ये जो दो सीधे फंदे हैं इनको आगे की तरफ से हम इकट्ठा बुनेंगे दो का एक करेंगे और उसके बाद ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम वैसे ही उल्टा बुनेंगे जिस तरह से इनको उल्टा बुनते हुए आ रहे हैं गाठा स्टिच पैटर्न से उल्टी सिलाई पूरी हमारी जो है वो उल्टी बुनी जाएगी अब आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे पहले हमने घटाए थे तीन फंदे फिर दो फिर दो अब दो बार एक एक घटाएंगे तो इस लाइन में हम घटाएंगे एक फंदा बिल्कुल एंड तक जहां से हमने गले के फंदे घटाने हैं वहां तक हम ये जो है सारे फंदे बुनेंगे ये आगे हम अपने लास्ट के फंदों तक अब ये बटन पट्टी से जो पहले दो फंदे हैं इनको हम इकट्ठा बुनेंगे और ये फंदे हमारे वैसे ही बुनते बुने जाएंगे जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी और फिर आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे अब यहाँ हम कंधे की तरफ जो हम शेप दे रहे हैं ये वहाँ एक लास्ट फंदा घटाएंगे हमने जो ये सिमेट्री घटाई है फंदों की तीन दो दो एक और ये एक लास्ट फंदा और ये हम इसके बाद हम यहाँ कोई फंदा नहीं घटाएंगे हमने जो कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने थे वो पूरे हो चुके हैं ये हमने जो एक तरफ फंदे घटाए हैं वो घटाए हैं आठ तीन दो चार दो छ और एक आठ और एक नौ टोटल नौ फंदे क्योंकि ये है तीन दो पांच दो सात आठ और एक नौ तो टोटल नौ फंदे हमने एक तरफ घटाए हैं कंधे की शेप देने के लिए और दूसरी तरफ हम गले की शेप देने के लिए जो है आ, फंदे घटा रहे हैं हर सीधी सिलाई में एक फंदा इसकी बटन पट्टी हम साथ ही बना रहे हैं इसलिए हम जो आ, कंधे आ, ये गले की शेप देने के लिए फंदे घटा रहे हैं वो हर सिलाई हर सीधी सिलाई में घटा रहे हैं अगर पट्टी साथ में ना बनाते तो हम इसकी शेप जो है वो और तरह से घटाते उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी बुनी जाएगी अभी हमने आ, कंधे की तरफ के सारे फंदे जितने हमने घटाने थे कंधे की शेप देने के लिए वो घटा लिए हैं और इस तरफ हमने जो गले की शेप देने के लिए फंदे घटाने शुरू किए थे वो भी हम घटा रहे हैं अब तक जो हमने फंदे घटाए हैं उसके बाद हमारे पास कितने फंदे बचते हैं यहाँ पे हम एक बार काउंट करेंगे दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, अच्छा, बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस और बत्तीस तो ये मेरे पास टोटल बत्तीस फंदे हैं मेरे को लास्ट में जो फंदे चाहिए वो चाहिए बीस फंदे बत्तीस फंदे मेरे पास हैं मुझे बीस फंदे चाहिए तो बारह फंदे मुझे और घटाने हैं अब मैं हर सीधी सिलाई में गले की तरफ जो है एक फंदा घटाऊंगी जो कंधे की तरफ है उस तरफ हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे और लास्ट में बीस फंदों तक जो है अपने फंदे घटाएंगे जब तक कि हमारे पास बीस फंदे नहीं रह जाते तो अभी मैं एक आ, हर सीधी सिलाई में इस तरफ फंदे घटाते हुए अपने जो आ, गले की शेप देने के लिए फंदे घटा रही हूँ उनको पूरा करूँगी ये जो गले की शेप देने के लिए हम फंदे घटा रहे थे वो हमने घटा लिए हैं हर सीधी सिलाई में हमने एक फंदा घटाया है ये जो हमारी चेन आ रही है इस चेन आ, ये जो चेन है इसी के साथ हमने अपना फंदा घटाया है हर सीधी सिलाई में एक फंदा टोटल फंदे जो हमारे गले की तरफ घटे हैं वो है पंद्रह फंदे पंद्रह सीधी स्लाइयों में हमने ये पंद्रह फंदे घटाए हैं इस तरफ के फंदे जो थे कंधे के वो हम पहले ही घटा चुके थे तो अभी एक बार हम अपनी लेंथ जो है उसको मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे कि हमारी जो अभी लेंथ है वो कितनी है फंदे ये घटाने के बाद जो हमने गले की शेप देने के लिए फंदे घटाए हैं तो यहाँ मैं मैजरिंग टेप से एक बार अपनी जो लेंथ है उसको मेजर करूँगी हमारी जो ये लेंथ है वो है ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर्स हमें जो ये टोटल लेंथ चाहिए वो चाहिए 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर इसका मतलब ये कि तीन सेंटीमीटर की लेंथ हमें और बनानी है और ये जो तीन सेंटीमीटर की लेंथ हम बनाएंगे उसमें हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं है जितने फंदे हमने घटाने थे अब तक हम घटा चुके हैं इसके बाद हमने कोई फंदा नहीं घटाना है यहाँ से हम अपनी तीन सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसको पूरा करेंगे ये जो फंदे हैं यहाँ पे हैं हमारे पास सोलह फंदे और ये है चार फंदे जो कि है पट्टी के ये गले की पट्टी है इससे पहले यही पट्टी बटन पट्टी थी अब ये गले की पट्टी के चार फंदे हैं और बाकी के सोलह फंदे हैं जो मेन हिस्से के हैं सारे फंदे घटाने के बाद चाहे वो हमारे गले की तरफ के फंदे हो गले की शेप देने के लिए चाहे वो ये कंधे की शेप देने के फंदे हो दोनों तरफ के फंदे हमने घटा लिए हैं जितने हमने घटाने थे अब हमारे पास यहाँ टोटल बीस फंदे हैं बीस फंदों के साथ हम तीन सेंटीमीटर की लेंथ को पूरा करेंगे जिसमें कि सोलह फंदे तो हमारे प्लेन बुने जाएंगे सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे और जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं जो गले की पट्टी के फंदे हैं उन फंदों को हमने गाटा सिचरो पैटर्न से ही बनाना है क्योंकि स्टार्टिंग से जो हम अपनी पट्टी बनाते आ रहे हैं उसको हम गाटन गाटा सिचरो पैटर्न से बुन रहे हैं तो ये हम चार फंदे जो है हमारे गले की पट्टी के उनको हमने उल्टा बुनना है और बाकी के फंदे हमारे सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे कोई फंदा घटाना नहीं है तीन सेंटीमीटर की लेंथ को हम अब पूरा करेंगे हमारा ये जो अगला हिस्सा है इसकी लेंथ हमें बत्तीस सेंटीमीटर चाहिए थी जो कि हमने पूरी कर ली है ये जो आ, हमने अपना अगला हिस्सा बनाया है पहले हम इसे मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे उसके बाद हम इसे पिछले हिस्से के साथ मेजर करेंगे तो ये है हमारी मेजरिंग टेप तो इसे हम अपने मेजरिंग टेप से एक बार यहाँ से मेजर करेंगे बत्तीस सेंटीमीटर की लेंथ हमारे पिछले हिस्से की है और बत्तीस सेंटीमीटर की लेंथ हमें इसकी चाहिए तो ये हमारी बत्तीस सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो पूरी है अब इसे हम हमारा जो अगला पिछला हिस्सा हम बना चुके हैं उसके साथ एक बार मेज़र करेंगे तो ये है हमारा आगे व पिछले पीछे वाला हिस्सा और इसे हम जो है इस तरह से मेज़र करेंगे मैं हमेशा इसका जो उल्टा हिस्सा होता है उसी के साथ जो इसको मिला के मेज़र करती हूँ तो यहाँ से हम से इस तरह से जोड़ते हुए आपस में मेजर करेंगे पिछला हिस्सा जो हमने बनाया था उसकी लेंथ थी हमारी बत्तीस सेंटीमीटर तो हमारा जो अगले हिस्से होंगे दोनों उनकी लेंथ भी हमें बत्तीस सेंटीमीटर ही चाहिए तो ये हमने जो हमारा अगला हिस्सा बनाया है उसकी लेंथ को पिछले हिस्से के साथ यहाँ पे मेजर किया है जो कि बिल्कुल सेम है। ये हमने जो अपना अगला हिस्सा बनाया था इसके लिए जो फंदे डाले थे वो फंदे डाले थे फोर्टी एट स्टिचेस अठतालीस फंदे अड़तालीस फंदों के साथ पांच गाटर सिंचरों का हमने ये बॉर्डर बनाया हमारी जो बटन पट्टी है वो इस तरफ है बुनाई के एंड की तरफ हमारी जो है बटन पट्टी है और इसमें मैंने हर नौ स्टिच रो के बाद एक बटन होल बनाया है स्टार्टिंग वाला बटन होल हमारा चार गाटा रो के बाद था उसके बाद हमने नौ गाटा रो के बाद बटन होल्स बनाए हैं अपने तो ये टोटल चार ही बटन होल बन पाए यहां से अगर हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो नौ स्टिच रो का जो डिस्टेंस है हमारा एक से दूसरे बटन होल में पहली लेंथ जो हमारी बनी थी वो बनी थी उन्नीस सेंटीमीटर की बॉर्डर से ले जहां से लेके हमने अपने कंधे के फंदे घटाने थे वहां तक हमारी लेंथ थी उन्नीस सेंटीमीटर की उन्नीस सेंटीमीटर की लेंथ बनाने के बाद हमने अपने कंधे की शेप देने के लिए एक तरफ जो बटन पट्टी है बटन पट्टी के उल्टी तरफ हमने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाए और जिस तरफ हमारी बटन पट्टी थी उस तरफ हमने गले की शेप देने के लिए फंदे घटाए यहाँ सबसे पहले हमने तीन फंदे घटाए फिर दो फंदे दो फंदे एक फंदा और एक फंदा तो यहाँ टोटल फंदे हमने घटाए नौ हमारी जो सिमेट्री है तीन दो दो एक और एक हमारे जो पिछले हिस्से पिछला हिस्सा हमने बनाया उसमें भी हमारे फंदों की सिमेट्री बिल्कुल सेम है जो दूसरा हिस्सा बनाएंगे उसमें भी फंदों की सिमेट्री सेम रहेगी और इसी सिमेट्री के हिसाब से हम जो बाजू बनाएंगे उसकी केप के फंदे घटाएंगे इस तरफ हमने गले की शेप देने के लिए जो फंदे घटाए हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये आठ फंदे थे बटन पट्टी के गले की पट्टी के लिए फंदे हमें कम चाहिए थे तो हमने ये जो आठ फंदे हैं आठ के आठ फंदों को दो दो इकट्ठे बुना तो यहाँ पे हमारे पास चार फंदे बचे जो कि हमारे गले का ये बॉर्डर है उसकी पट्टी है ये जो हर सीधी सिलाई में हमने एक फंदा घटाया गले की शेप देने के लिए हमारा ये जो कार्डिगन है इसकी शेप है वी शेप तो हर सीधी सिलाई में हमने फंदा घटाया टोटल फंदे हमने घटाए पंद्रह हर सीधी सिलाई में एक फंदा घटाया तो टोटल फंदे हमने पंद्रह घटाए पंद्रह फंदे घटाने के बाद हमने कोई फंदा नहीं घटाया उसके बाद यहाँ से ये जो चार सिच रो की लेंथ है जो हमने प्लेन बुनी है जिसमें कि कोई फंदा हमने नहीं घटाया लास्ट में हमारे पास जो फंदे बचे वो बचे बीस जिसमें से चार फंदे हैं हमारे पट्टी के गले की पट्टी के और बीस फंदे हैं हमारे मेन हिस्से के 48 फंदों के साथ हमने इसे शुरू किया था और एंड में हमारे पास ये फंदे जो बचे हैं वो हैं 20 फंदे जिस तरह से हमने ये हिस्सा बनाया है अपने आगे का आगे का हिस्सा ये वाला बनाया है इसी तरह से हम अपने दूसरा आगे का हिस्सा भी इसी तरह से बनाएंगे लेकिन उसमें एक फर्क होगा हमारी जो पट्टी होगी वो इस तरफ होगी और ये वाला हिस्सा इस तरफ होगा यहाँ पे मैं सिर्फ उसे शुरू करूंगी जो दूसरा अगला हिस्सा मैं बना रही हूं उसे शुरू करूंगी और उसके बाद जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा कोई फर्क नहीं है सिर्फ एक फर्क होगा कि इसमें हमने बटन होल्स नहीं बनाने इसमें हम बटन लगाएंगे और ये हमारा बटन होल का हिस्सा है अट्ठालिस फंदे मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे ये जो एक हिस्सा अगला मैंने बना रखा है अगर अपने दूसरे हिस्से को यहां पे हम लगाते हैं तो इससे ये होगा कि ये जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है ये हमारा बटन पट्टी का हिस्सा है और इस तरफ हमारा प्लेन वाला हिस्सा होगा तो इसे ये जो बॉर्डर का हिस्सा स्टार्ट करेंगे उसमें जब ये हिस्सा हमने बनाया था तो शुरुआत इस तरफ से की थी इस हिस्से को बनाते हुए हम अपनी बटन पट्टी से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे मैं यह बटन पट्टी जो है हमारी उसकी शुरुआत ये जो अगला दूसरा अगला हिस्सा है इसकी बॉर्डर की शुरुआत करूँगी यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे हम अपना जो बॉर्डर है बटन पट्टी की तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद तेरह फंदे बारह फंदे उल्टे बुने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह तो ये हो गए हमारे पास टोटल तेरह फंदे जिसमें से आठ फंदे हमारी बटन पट्टी के हैं तो एक बार यहाँ मैं इनको काउंट कर लूँगी दो चार छ आठ दस बारह और ये तेरह इसके बाद एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने फिर तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक दो तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने तीन फंदे उल्टे एक दो तीन एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे एक दो तीन तीन फंदे उल्टे तीन फंदे उल्टे इकट्ठे बुने तीन फंदे उल्टे एक दो तीन एक फंदा सीधा और ये तीन फंदे उल्टे उनको अपनी तरफ करके एक दो और ये तीन लास्ट वाला फंदा सीधा तो जो दूसरा हिस्सा हम बनाएंगे जिसमें बटन पट्टी हमारी अंदर की तरफ होगी अगर अब यहाँ पे दोनों हिस्से हम देखेंगे इनके फंदों की समेट्री अगर हम देखें इस हिस्से की और इस हिस्से की फंदों की समेट्री देखें तो बिल्कुल ये आ, इसी सिमेट्री में होंगे फर्क सिर्फ इतना है बटन पट्टी यहाँ है और ये वाला हिस्सा इसका इस तरफ है तो दूसरा हिस्सा जो हमने बनाना है इसी को ही हमने कंटिन्यू करना है पांच गाठा शुरू तक उसके बाद बिल्कुल ये इस हिस्से की तरह बनेगा वैसे ही हमने फंदे घटाने हैं कंधे की तरफ आगे का जो हमारा गले का हिस्सा है उस तरफ यहाँ जो बटन पट्टी के फंदे हैं आठ की बजाय हमने चार किए हैं पंद्रह फंदे ये घटाए हैं नौ फंदे ये घटे हैं और बाकी की लेंथ हमने इसकी पूरी की है तो इसमें सिर्फ हमने जो बटन पट्टी बनानी है उसमें बटन होल नहीं बनाने बटन पट्टी हमारी जो है वो स्टार्टिंग में बनेगी बाकी का पूरा हिस्सा जो फंदों की सिमेट्री है फंदे घटाने की सिमेट्री है गले के फंदे घटाने की सिमेट्री है ये शोल्डर के फंदे फंदे घटाने की सिमेट्री है वो सेम रहेगी तो इसी सिमेट्री के हिसाब से मैं ये जो दूसरा मेरा अगला हिस्सा है इसको पूरा करूंगी हमने अपने कार्डिगन के तीनों हिस्से बना लिए हैं यह है पिछला हिस्सा और ये दोनों अगले हिस्से तो तीनों हिस्से हमारे बन के तैयार हैं ये है इसको इस तरह से हम आ, जो है देखेंगे ये है एक हिस्सा और ये है दूसरा हिस्सा तो तीनों हिस्से बन के तैयार हैं मेजरमेंट तीनों की सेम है पिछला हिस्सा जो है आ, वो तो सिंगल ही था अगला हिस्सा जिस तरह से ये बटन होल वाला बटन होल के साथ जो पट्टी बनाई है ये वाला हिस्सा बनाया था बिल्कुल सेम हमने दूसरा हिस्सा बनाया है फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी अ, दूसरे हिस्से की जो बटन पट्टी है उसमें बटन होल्स नहीं है तो अब हम कंधों से आ, तीनों हिस्से आपस में जोड़ेंगे अगले दोनों हिस्से पिछले हिस्से के साथ तो यहां पे हमने ये वाला जो सीधा हिस्सा है हमारा आ, सीधे वाली साइड है इसको अंदर की तरफ करेंगे और उल्टे वाली साइड जो होगी उसे हम बाहर की तरफ करेंगे इस तरह से हमारी जो है ये दोनों कंधे जो हैं वो एक तरफ होने चाहिए तो यहां पे मैं सबसे पहले इस हिस्से को सिलू इस तरफ को कंधे से जोड़ूंगी इस तरह से हमारी जो ये सिलाई है ये इसकी टिप बुनने वाले इस तरफ है तो मैं फंदे अपने दूसरी सिलाई पे शिफ्ट करूंगी इस तरह से हमारे जो अगले दोनों हिस्से हैं इनमें बीस बीस फंदे हैं लास्ट में जिसमें कि चार चार फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं गले की पट्टी के हैं तो यहाँ पे हम बीस फंदे जो हैं पहले आपस में जोड़ेंगे तो ये बीस फंदे हैं तो इस हिस्से के भी हम बीस ही फंदे लेंगे आपस में जोड़ने के लिए एक फंदा जो है इस तरफ से दूसरा फंदा इस तरफ से दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेके हम दो का एक करेंगे इनको इकट्ठा बुनेंगे और साथ ही साथ ही इन फंदों को हम बाइंड ऑफ भी करते जाएंगे बीस फंदे हैं पहले हमने ये जो बीस फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ आपस में जोड़ना भी है और उसके बाद इनको बाइंड ऑफ भी करना है तो ये एक, एक करके दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे हम और दोनों फंदों को इकट्ठा बुनेंगे उसके बाद इस तरह से पिछले फंदे को पहले वाले फंदे के ऊपर से पास करेंगे तो ये हम आपस में जो कंधे के हिस्से हैं दोनों तरफ पिछला हिस्सा भी और अगला हिस्सा भी इनको आपस में हम जोड़ भी रहे हैं और फंदों को बाइंड ऑफ भी कर रहे हैं जिस तरह से हम ये इसका एक हिस्सा आपस में जोड़ेंगे उसी तरह से हम इसका दूसरा हिस्सा भी आपस में जोड़ेंगे और बीच वाले जो फंदे हैं उनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है बीच में हमारे पास ट्वेंटी नाइन स्ट्रेच हैं उनतीस फंदे और उन फंदों को हम ट्वेंटी नाइन मैं देखती हूँ एक बार काउंट करके कि हमारे पास बीच में कितने फंदे बजते हैं उन फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर लेना है तो ये मैं जो फंदे हैं इनको आपस में जोड़ूंगी भी और बाइंड ऑफ भी करूंगी तो ये हम फंदे जो हैं आपस में जोड़ रहे हैं बीच में हमारे पास उनतीस फंदे थे जो हमने गाटा शीशरो पैटर्न से बनाए थे जिनमें से आठ फंदे हैं हमारे गले के बॉर्डर के तो चार चार फंदे दोनों तरफ उनको हमने अगले हिस्से के साथ जोड़ना है तो बाकी हमारे पास बचेंगे इक्कीस फंदे 29 नाइन स्टेचेस उनती नहीं इक्कीस फंदे और इक्कीस फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे तो ये मैं जो है लास्ट के चार फंदों पे आ चुकी हूं जो कि है हमारे बॉर्डर के फंदे दोनों तरफ के इस तरह से ये जो चार फंदे हैं ये हैं अगले हिस्से की जो गले की पट्टी है बॉर्डर की पट्टी उसके फंदे हैं और यहाँ से चार फंदे हम जो हैं पिछले हिस्से से लेंगे तो ये उनतीस फंदे जो पिछले हैं उनमें से ये चार फंदे एक तरफ हम अपने बॉर्डर के साथ जोड़ेंगे अगले हिस्से के और चार ही फंदे दूसरी तरफ जोड़ेंगे तो बाद में हमारे पास जो बचेंगे फंदे वो बचेंगे इक्कीस फंदे जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है तो ये हो गए हमारे पहले हिस्से के सारे फंदे बीस के बीस जिसमें से 16 फंदे तो थे मेन हिस्से के और चार फंदे हैं उसमें से हमारे गले की पट्टी के गले का बॉर्डर जो हम बना रहे हैं उसकी पट्टी के तो ये हमने एक हिस्सा जो है वो जोड़ दिया है अब ये हमारे पास एक फंदा बचता है इन बीस फंदों में आ, बीस फंदों में से तो इस फंदे को इसके साथ जोड़ के हमने इसको भी बाइंड ऑफ कर देना है तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला फंदा बाइंड ऑफ अब यहाँ से हम इस तरफ के ये चार फंदे हैं यहां तक के सारे फंदे इक्कीस फंदे हैं ये टोटल इनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे एक एक करके इनको बुन, बुनते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा लूज ही बाइंड ऑफ करेंगे इनको टाइट बाइंड ऑफ नहीं करेंगे तो ये मैं लास्ट के चार फंदे जो गाटा स्टिच रो पैटर्न से हमने बनाए हैं वहाँ तक हम जो है अपने फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो ये मैं एक एक करके सारे फंदे जो हैं उनको बंद करती जा रही हूँ बाइंड ऑफ करती जा रही हूँ लास्ट के चार फंदे जो गाठा सीशरो पैटर्न के हैं वहां तक इक्कीस फंदे हैं जिनको हमने वाइंड ऑफ करना है यह दो दो चार और ये बचा हमारे पास एक फंदा अब ये यहाँ पे चार फंदे बचते हैं यहाँ अब हम दूसरा हिस्सा जोड़ेंगे अपना तो इसका भी हमें ये जो है चेंज करना पड़ेगा निटिंग नीडल को क्योंकि इसके टिप जो है वो हमारे हमें जिस तरफ चाहिए उस तरफ नहीं है तो यहाँ पे मैं ये इसको चेंज कर रही हूँ दूसरी स्लाई पे, स्लाई सेम ही है अब यहाँ हम ये यह है हमारे पास एक फंदा और यहाँ बचते हैं हमारे पास चार फंदे जो कि गले के हमें चाहिए बॉर्डर के लिए अब हम इसके साथ जोड़ते हुए ये जो है हमारा हिस्सा इस तरह से इसको जोड़ेंगे अब यहाँ पे सारे फंदे हमारे जो है एक एक करके उनको दो दो करके हम बुनेंगे दो का एक करेंगे दोनों तरफ से एक एक फंदा लेके और साथ के साथ बाइंड ऑफ भी करेंगे तो ये हमने जो दोनों कंधे हैं उसके हिस्से जोड़ दिए हैं अपने पिछले हिस्से के साथ और ये बन गया हमारा आगे और पिछले पिछला हिस्सा कार्डिगन का विथ वी इस तरह से ये सिलने के बाद जो है अपनी पूरी शेप में आ जाएगा फ़िलहाल तो ये अभी सिलना बाकी है तो जैसे ही इसको सिलेंगे अपनी पूरी शेप में ये जो है आ जाएगा इस तरह से ये है गले का हिस्सा जिसमें कि ये उनतीस फंदे थे जिसमें से चार चार फंदे ये दोनों तरफ हमारे जो अगला हिस्से वी गले का ये बॉर्डर की पट्टी है उसके साथ इन इनको हमने जोड़ा है मैच करते हुए और बीच में हमने 21 फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है तो ये अगला और पिछला हिस्सा दोनों बनके तैयार हैं जितने भी एक्स्ट्रा वूल है जब हम इसको सिलेंगे और बटन लगाएंगे तो उसके बाद हम ये एक्स्ट्रा वूल जितनी भी है उसको अंदर ही टक कर देंगे जितनी हो सके और बाकी की हम इसको जो है डिटैच कर देंगे ये हो गया अगला और पिछला हिस्सा हमारा कम्प्लीट अब हम बनाएंगे अपनी बाजू अगले और पिछले हिस्से हमारे बन के तैयार हो गए हैं तो अब बारी है बाजू की बाजू के लिए मैंने अपनी सिलाई में उनतालीस फंदे डाले हैं थर्टी नाइन स्टिचेस थर्टी नाइन स्टिचेस के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं बिल्कुल वैसे ही फंदे डाले हैं जिस तरह हमने अगले और पिछले हिस्सों में फंदे डाले थे और इनकी काउंटिंग है उनतालीस फंदे थर्टी नाइन स्टिचेज़ अब सबसे पहले हम पांच गाठा सिच रो का जो है वो बॉर्डर बनाएंगे तो शुरू करने से पहले एक बार हम अपने फंदों को दो दो करके काउंट करेंगे यहाँ से दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अट्ठतीस उनतालीस तो उनतालीस फंदे हैं और अभी हम अपना जो है बॉर्डर शुरू करेंगे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से अगला और पिछले हिस्से का बॉर्डर बनाया है तो यहाँ पे ये फंदों की डिवीज़न और फंदों की सिमेट्री जो है कैसे होगी बाजू के बॉर्डर के लिए वो हम यहाँ पे शुरू करेंगे पहला फंदा बिना बुने उतारा उसके बाद तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन उनको पीछे किया एक फंदा सीधा अब हम उनको नहीं हिलाएंगे अपने आप ही उन आगे पीछे होगी उनको पीछे ही रखेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने इसकी समेटी बिल्कुल वैसी है जिस तरह हमने पिछला बॉर्डर बनाया था तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन उनको अपनी तरफ ही रखेंगे एक फंदा सीधा उनको पीछे ही रखेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने तीन का एक तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तीन फंदे इकट्ठे बुने तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन एक फंदा सीधा ऊन को अपनी तरफ किया तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन एक फंदा सीधा तो ये होगी हमारे फंदों की सिमेट्री इसी सिमेट्री को दोहराते हुए हम पांच गांटे सिरों की लैंप जो है वो पूरी करेंगे हमने अपने बाजू का जो ये बॉर्डर है कंप्लीट कर लिया है पांच गाटे सीचरों के साथ तो एक बार इसको हम मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं कि हमारी जो ये लेंथ है कितनी है पांच गाटे स्टिचरों की लेंथ हमने बनाई है और इसको अगर मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे तो ये है तीन सेंटीमीटर की लेंथ तीन सेंटीमीटर की लेंथ हम इसकी बना चुके हैं इसके बाद जो अगला हिस्सा इसका बनाएंगे वो प्लेन होगा जिसमें कि हमें अट्ठाईस फंदे बढ़ाने हैं टोटल चौदह फंदे एक तरफ चौदह फंदे दूसरी तरफ हर चौथी सिलाई में हम अपने फंदे बढ़ाएंगे और जहाँ से हमें कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं वहाँ तक कि हमें सेंटीमेटर। सेंटीमेटर की हमें टोटल लेंथ चाहिए बाईस सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर की लेंथ हम बना चुके हैं और हमें उन्नीस सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो और बनानी है तो यहाँ से अब हम अपना प्लेन वाला हिस्सा शुरू करते हैं बॉर्डर बनाने के बाद दो सिलाई प्लेन बुनेंगे एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी इसके बाद हमने फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं बॉर्डर के साथ ही हम जो प्लेन सिलाई बुनेंगे उसमें हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे दो सिलाई बुनेंगे एक सिलाई सीधी तरफ से और एक सिलाई उल्टी तरफ से दो सिलाई बुनने के बाद जो है हम अपने फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे टोटल फंदे हमने बना जो नए बनाने हैं वो अट्ठाईस फंदे बनाने हैं चौदह एक तरफ और चौदह दूसरी तरफ उसके बाद अगर तो उन अट्ठाईस फंदों में हमारी लेंथ जो है बाईस सेंटीमीटर की पूरी हो जाती है तो ठीक है अगर नहीं होती तो 28 फंदे बढ़ाने के बाद हम कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं अपनी सिर्फ लेंथ को पूरा करेंगे बाईस सेंटीमीटर की लेंथ को जो कि होगी बॉर्डर के स्टार्ट से लेके वहां से हम इसकी काउंटिंग करेंगे जो बाईस सेंटीमीटर की लेंथ है मतलब कि बॉर्डर की तीन सेंटीमीटर की तो हम बना चुके हैं उन्नीस सेंटीमीटर की लेंथ हमें और बनानी है और टोटल लेंथ जहाँ तक हमें कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं वहाँ तक की जो हमें लेंथ चाहिए वो चाहिए बाईस सेंटीमीटर की तो ये मैं दूसरी सिलाई बना रही हूँ उल्टी तरफ से दो सिलाई प्लेन बना रही हूँ बॉर्डर के पाँच गाँटे सीश्रो की लेंथ बनाने के बाद बॉर्डर के बाद हम एकदम से साथ ही फंदे नहीं बढ़ाने शुरू करेंगे दो सिलाई हम प्लेन बुन रहे हैं दो सिलाई प्लेन बुनने के बाद हम अपने जो है बॉर्डर के आ, उस आ, बाद जो है हम अपनी बाजू के फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे और जो फंदे बढ़ाने हैं हर सीधी सिलाई में जो हमारा एच स्टिच है एच स्टिच के आ, साथ एच स्टिच से फंदा नहीं बढ़ाएंगे एच स्टिच हमें बिना बुने उतारना है और एच स्टिच के साथ जो फंदा होगा उसके साथ उसके साथ जो है उसको बुनते हुए हमने नया फंदा बढ़ाना है तो ये मैंने उल्टी सिलाई भी पूरी कर ली है अब यहाँ पे हम अपने फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे तो ये पहला फंदा बिना बुने उतारा उसके बाद एस टीज़ के साथ जो फंदा है उसके साथ हम ये फंदा बढ़ाएंगे इसके बाद हम सारे फंदे सीधे बुनते हुए एंड तक आएंगे एंड के दो फंदों तक तो ये आगे हम अपने फंदों के लास्ट के ये तीन फंदे हैं एक फंदा बुना तो ये दो फंदे जो हैं ये एच स्टिच एच स्टिच से पहला जो फंदा है इसके साथ हमने फंदा बढ़ाना है तो दोनों तरफ हर सीधी सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे इसके बाद ये जो अभी सिलाई हमने बनाई है इसमें दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ाया है इसके बाद तीन सिलाई हम प्लेन बुनेंगे एक दो सिलाई उल्टी और एक सीधी सिलाई और चौथी सिलाई में हम दोबारा फिर इसी तरह से फंदा जो है बढ़ाएंगे दोनों तरफ चौदह फंदे एक तरफ बढ़ाएंगे और चौदह फंदे ही हम दूसरी तरफ बढ़ाएंगे तो अट्ठाईस फंदे टोटल बढ़ाने हैं उसके बाद कोई फंदा नहीं बढ़ाना सिर्फ अपनी जो बाजू की लेंथ है उसको ही हम पूरा करेंगे तो अभी मैं अपनी जो बाजू की लेंथ है उसे पूरा करूंगी अपने फंदे बढ़ाने के साथ साथ तो इसको हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे दोनों तरफ फंदे बढ़ाते हुए और बीच में तीन सिलाई जो है हम प्लेन बुनेंगे हर चौथे चौथी सिलाई पे हमने अपना जो है फंदा बढ़ाना है अट्ठाईस फंदे बढ़ाने के बाद हमने जो है अपने फंदे बढ़ाने बंद कर देने हैं और सिर्फ अपनी बाजू की लेंथ पूरी करनी है हमने अपनी जो बाजू है वो कंप्लीट कर ली है जहां से हमें कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं वहां तक तो इसकी जो लेंथ हमें बाईस सेंटीमीटर के आसपास से चाहिए थी और इसके अट्ठाईस फंदे हमने बढ़ाने थे चौदह एक तरफ और चौदह दूसरी तरफ तो अभी सबसे पहले मैं अपनी जो बाजू है उसकी लेंथ को मेजरिंग टेप से मेजर करूँगी तो यहाँ हम इसे मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे अपनी जो बाजू है उसकी लेंथ को यहाँ से तो ये जो हमारी लेंथ है ये दो सिलाई ज़्यादा है चलेगी कोई दिक्कत नहीं तो ये अप्रॉक्सीमेट बारह सेंटीमीटर की हमारी ये लेंथ है अब मैं इसके दोनों तरफ के जो फंदे हमने बढ़ाए हैं वो काउंट करूंगी एक ही तरफ के फंदे काउंट कर लेंगे क्योंकि दूसरी तरफ भी हमने सेम ही समेट्री में फंदे बढ़ाए हैं तो यहाँ से हम अपने फंदे काउंट करने शुरू करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो हमने टोटल चौदह फंदे एक तरफ और चौदह फंदे दूसरी तरफ बढ़ाए हैं टोटल अट्ठाइस फंदे जब हमने अपनी बाजू को स्टार्ट किया था फंदे डाले थे इसके बॉर्डर के लिए तब हमने इसमें फंदे डाले थे उनतालीस फंदे थर्टी नाइन स्टिचेस अट्ठाइस फंदे हमने बढ़ाए हैं चौदह एक तरफ चौदह एक तरफ तो जो अब हमारे पास टोटल फंदे होंगे स्टिचेस, 67 67 सत्तासठ हैं। अब हमारे पास यहाँ टोटल जहां से हमने अपनी जो बाजू है उसका ऊपर वाला हिस्सा बनाना है जहां हमने अपने फंदे घटाने हैं तो एक बार मैं यहाँ पे अपने फंदों को काउंट करूंगी अगला हिस्सा बनाने से पहले दो दो करके काउंट करेंगे हम अपने फंदों को और इनको मैं इकट्ठे काउंट नहीं करूँगी सबसे पहले हम वो फंदे काउंट करेंगे, करेंगे जो हमने बॉर्डर बुनने से पहले डाले थे स्टार्टिंग में डाले थे तो थर्टी नाइन स्टिचेस थे उनतालीस फंदे तो दो दो करके सबसे पहले हम वो फंदे काउंट करेंगे तो यहाँ से दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौतीस छत्तीस अट्ठतीस उनतालीस तो ये वो फंदे हैं जो हमने अपनी बाजू शुरू करते हुए बॉर्डर बनाने के लिए डाले थे अब यहाँ से दो दो करके हम फंदे काउंट करेंगे जो फंदे हमने बढ़ाए हैं अपनी बाजू के दोनों तरफ तो ये जो है अट्ठाईस फंदे होने चाहिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तो ये है हमारे फंदे जो इस टाइम पे हमारे पास है टोटल सिक्सटी सेवन स्टिचेस सत्तासठ सत्त फंदे अब हम यहाँ से अपने बाजू का ऊपर वाला हिस्सा शुरू करेंगे हमने जो ये फंदे घटाने हैं इसकी सिमेट्री होगी जो हमने अगले और पिछले हिस्से के फंदे घटाए हैं उस हिसाब से ये मेरे पास जो है अगले पिछले हिस्से के जो फंदे हैं एक तरफ के हम फंदे जो हैं वो देखते हैं तो यहाँ जो हमने फंदे घटाए हैं वो हैं तीन दो दो एक, एक। जब हम बाजू में घटाएंगे तो इसका डबल हो जाएंगे दो बार तीन दो बार दो दो बार दो दो बार एक एक तो यहां पे हम इसी समिति को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ अपने फंदे घटाने शुरू करेंगे तो यहां से शुरू करते हैं सबसे पहले तीन फंदे घटाएंगे पहला फंदा बिना बुने उतारा दूसरा फंदा सीधा बुना तो ये हो गया एक ये दो और ये तीन तीन फंदे घटाने के बाद पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी इसमें हमने फंदे जो है सीधे जो स्टार्टिंग के फंदे हैं सीधी सिलाई में घटाने हैं जो एंड के फंदे हैं वो उल्टी सिलाई में घटाने हैं तो तीन फंदे घटाने के बाद पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ अब इस तरफ भी हम तीन फंदे घटाएंगे तो ये है पहला फंदा और ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा तो ये हमने तीन फंदे घटा लिए हैं इसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी बिल्कुल एंड तक अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ यहाँ फिर तीन फंदे घटाएंगे पहला फंदा बिना बुने उतारा दूसरा फंदा सीधा बुना और ये एक फंदा घटाया आया ये दूसरा फंदा घटाया और ये तीसरा फंदा घटाया तो ये हो गए तीन फंदे बाकी की पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ अब यहाँ तीन फंदे घटाएंगे एक दो और ये तीन बाकी की पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी तो ये मैंने तीन तीन फंदे दो बार दोनों तरफ घटाए इसी तरह से हम जो अगले फंदे हैं हमारे ये जो आ, कंधे के हमने फंदे घटाए हैं तीन फंदे दो फंदे दो फंदे एक और एक तीन फंदे हमने दो बार घटाए बाजू की जो हमने कंधे की शेप देने के लिए बाजू के ऊपर हिस्से की जो शेप है उसके लिए हमने ये तीन फंदे दो बार घटाए इसी तरह से ये जो दो दो फंदे हैं इनको भी हम दो दो बार घटाएंगे अपनी बाजू में और एक एक फंदे को भी इसका मतलब ये हुआ कि जो दो दो फंदे हैं हमने चार बार घटाने हैं और एक एक फंदा जो है उसको भी चार बार घटाने हैं तो यहाँ इसी समेट्री को कायम रखते हुए जो हमारी आ, अगले और पिछले हिस्से के कंधे की शेप जो है उसकी समेट्री है इसी समेट्री को जो है मैं डबल करते हुए अपनी बाजू की शेप देने के लिए दोनों तरफ फंदे घटाऊंगी चार बार जो है मैं दो दो फंदे घटाऊंगी दोनों तरफ चार बार इस तरफ चार बार इस तरफ चार सीधी सिलाई में इस तरफ दो दो फंदे घटेंगे चार उल्टी सिलाई में इधर दो दो फंदे घटेंगे उसके बाद अगली चार सिलाई में एक एक फंदा घटाएंगे इस तरफ और चार बार ही एक एक फंदा घटाएंगे उल्टी तरफ तो इसी सिमेट्री को अभी मैं पूरा करूंगी फंदे घटाने के लिए ये हमने दोनों तरफ चार बार दो दो फंदे घटा लिए हैं हमारी जो कंधे की शेप देने के लिए हमने जो अगले और पिछले हिस्से थे उसमें फंदे घटाए थे दो फंदे दो बार घटाए थे ये है तीन फंदे ये दो और दो इसका डबल हमें बाजू में घटाना था तो यहाँ पे चार बार हमने जो है दो दो फंदे घटा लिए हैं ये दो बार है तीन तीन फंदे एक और दो इसके बाद चार बार एक दो तीन चार चार बार दो दो फंदे घटाए अब ये जो इसके आगे हमने घटाए हैं दो बार एक एक फंदा ये दो इसके बाद एक और एक तो हम अपनी बाजू में एक एक फंदा चार बार घटाएंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये दो दो फंदे घटाए हैं तो अभी मैं हर सीधी सिलाई में और हर उल्टी सिलाई में एक एक फंदा घटा के चार एक तरफ और चार दूसरी तरफ फंदे घटाऊंगी तो ये हमने एक एक फंदे की जो चार बार एक एक फंदे को जो चार बार सिमेट्री में घटाना था वो भी घटा लिया है यहां से एक दो तीन चार और दूसरी तरफ भी एक दो तीन चार इसी के साथ हमने अपनी जो बाजू की ऊपर का हिस्सा है केप बोलते हैं इसे इसकी शेप पूरी कर ली है ये है हमारी फाइनल शेप अब हम आ, जो है अपने फंदों को यहाँ बाइंड ऑफ करेंगे हमने जो फंदे घटाए हैं टोटल फंदे घटाए हैं अट्ठारह फंदे एक तरफ अट्ठारह फंदे एक तरफ हमारा जो ये अगला और पिछला हिस्सा है इसमें जो कंधे की शेप देने के लिए हमने फंदे घटाए थे वो एक तरफ के फंदे घटाए थे हमने नौ तो यहाँ पे वो फंदे डबल हो गए तो एक तरफ के फंदे हैं अट्ठारह दूसरी तरफ के फंदे हैं 18, अट्ठारह और 18 छत्तीस एटीन एटीन थर्टी सिक्स हमारे पास ये जो फंदे हैं ये थे सतासठ 67, 67 फंदे अट्ठती फंदे हम घटा चुके हैं तो यहाँ पे हमारे पास इकतीस फंदे जो है छत्तीस फंदे हम घटा चुके हैं 18 और 18 छत्तीस छत्तीस फंदे हम थर्टी सिक्स हम घटा चुके हैं हमारे पास यहाँ जो है इकतीस फंदे जो है बैलेंस होने चाहिए तो यहाँ एक बार हम अपने फंदों को काउंट कर लेते हैं तो ये है दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस और एक इकतीस हमने जब अपनी बाजू शुरू की थी तो बाजू के फंदे थे हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग uh, में इसके फंदे लिए थे थर्टी नाइन स्टिचेस उनतालीस फंदे उनतालीस फंदों के साथ हमने पांच गाँटा सिश्रो का ये बॉर्डर बनाया था जो कि अप्रॉक्सीमेटली तीन सेंटीमीटर था इसके बाद हमने उन्नीस uh, सेंटीमीटर की लेंथ जो और बनाई इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर उन्नीस सेंटीमीटर की लेंथ और बनाई जिसमें कि इस बाजू के दोनों तरफ हमने चौदह चौदह फंदे बढ़ाए अपनी बाजू की शेप देने के लिए और जो ये हमने फंदे बढ़ाए हर चौथी सिलाई में फंदे बढ़ाए मतलब कि एक बार फंदा बढ़ाया दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाया हमने उसके बाद तीन सिलाई बुनी जिसमें से दो सिलाई उल्टी थी एक सिलाई सीधी थी और चौथी सिलाई में हमने जो है एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाया तो टोटल अट्ठाईस फंदे हमने बढ़ाए चौदह फंदे एक तरफ चौदह फंदे दूसरी तरफ अगर इसकी सिमेट्री की बात करें तो इसका मतलब यह है कि एक सीधी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया और एक सीधी सिलाई में हमने हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया अट्ठाईस फंदे बढ़ाने के बाद चौदह और चौदह अट्ठाईस फंदे बढ़ाने के बाद हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया उसके बाद सिर्फ हमने अपनी जो लेंथ कंप्लीट की जो यहाँ से बनती है तो उसके बाद हमने लेंथ कंप्लीट की बाईस सेंटीमीटर की लेंथ हमारी हुई बॉर्डर के स्टार्ट से लेके ये जो जहां से हमने ये बनानी थी अपनी बाजू से. की वहां तक की सेंटीमीटर बॉर्डर के शुरू से बाईस सेंटीमीटर की पूरी करने के बाद हमने बाजू की शेप देने के लिए ऊपर बाजू को ऊपर केप की शेप देने के लिए यहाँ हमने फंदे घटाए जिसकी समिति थी तीन तीन दो दो एक मतलब कि जिस बेटी में हमने अगले और पिछले हिस्से के फंदे घटाए थे उससे डबल फंदे हमने बाजू के दोनों तरफ घटाए तो एक तरफ हमने अट्ठारह फंदे घटाए दूसरी तरफ अट्ठारह फंदे घटाए टोटल छत्तीस फंदे घटाए और लास्ट में हमारे पास फंदे बचे इकतीस फंदे अब इन इकतीस फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे एक एक करके सारे फंदे हमने बाइंड ऑफ कर देने हैं इस तरह से और ये हमारी बाजू हो जाएगी कंप्लीट फंदे बाइंड ऑफ करते ही तो ये एक एक करते हुए हमने अपने फंदे जो हैं सारे बाइंड ऑफ कर दिए हैं इकतीस फंदे थे हमारे पास लास्ट में थर्टी वन स्टिचेस जिनको हमने बाइंड ऑफ किया और ये होगी हमारी बाजू कंप्लीट यहाँ ये जो है उनको हम यहाँ पे कट कर लेंगे और ये बाजू कंप्लीट अब एक बार हम अपनी बाजू की लास्ट मेजरमेंट लेंगे आ, स्टार्ट से लेके एंड तक जहाँ से हमने इसकी बुनाई शुरू की थी वहाँ से लेके एंड तक अब हम इसकी एक बार मेजरमेंट लेंगे यहाँ से तो ये जो हमारी मेजरमेंट है ये है तीस सेंटीमीटर से दो सिलाई ऊपर मतलब तीस मान के चलो तीस से दो सिलाई ऊपर तो लास्ट जो हमारी इसकी बाजू की मेजरमेंट हुई अप्रॉक्सीमेट तीस सेंटीमीटर जिस तरह से हमने अपनी ये एक बाजू बनाई है उसी तरह से ही हमने अपनी दूसरी बाजू भी बनाई है जो कि बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने ये एक बाजू बनाई है बिल्कुल सेम कोई फर्क नहीं है स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये बिल्कुल वैसे ही उतने ही फंदे डाले थे थर्टी नाइन उतने ही फंदे बढ़ाए थे 28 फंदे वैसे ही इसके फंदे घटाए तो हमारी बाजू हुई कंप्लीट हमारी जो ये निटिंग है कार्डिगन की वो कंप्लीट हो चुकी है दोनों बाजू बन चुकी हैं अगला और पिछला हिस्सा वो भी बन चुका है अब हम अपने कार्डिगन की सिलाई करेंगे सिलाई स्टार्ट करेंगे हम बाजू से सबसे पहले हम अपनी जो बाजू है, इनको सिलेंगे यहाँ ये यह हमने एक्स्ट्रा वूल रखी हुई है अपनी बाजू के साथ तो इसको यहाँ पे जो है मैं खोल लूँगी यहाँ इसको मैंने बांध दिया था तो यहाँ खोल के तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी दोनों बाजू की सिलाई से तो ये यह यहां से थोड़ा सा को दोनों तरफ से एक एक चेन लेते हुए जो बाजू है हम उसकी सिलाई करेंगे बिल्कुल सेम तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी बाजू की सिलाई से बिल्कुल वैसे ही सिलना है जिससे जैसे हम नॉर्मली सिलते हैं तो यहाँ मैं सबसे पहले स्टार्ट में अपनी बाजू की सिलाई करूँगी दोनों बाजू की एक एक करके एक एक चेन दोनों तरफ से लेते हुए पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा है जिससे कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक एक चेन बनती है जो एच स्टिचेस हैं उनके साथ तो एक चेन एक तरफ से एक चेन दूसरी तरफ से लेते हुए हम जो अपनी बाजू की सिलाई करेंगे तो ये हमने बाजू को सिल लिया है जिस तरह से एक बाजू सिली है वैसे ही हमने अपनी दूसरी बाजू भी सिली है और ये है हमारी बाजू की शेप सिलने के बाद जिस तरह से दोनों बाजू सिली है वैसे ही हमने अगले और पिछले हिस्से को भी सिल लिया है दोनों हिस्सों की जो साइड्स हैं उनको ये है एक तरफ का और ये है दूसरी तरफ का अब यहाँ हम इसके साथ अपने बाजू को जोड़ेंगे तो ये मैं एक तरफ की जो है बाजू है उसको इस तरह से यह है हमारी बाजू और अगले पिछले का जो अगला पिछला हिस्सा जो हमने जोड़ा है वो तो यहाँ पे हम इसको आपस में सिल लेंगे जिस तरह से ही एक बाजू को सिलना है वैसे ही हमने आ, दूसरी बाजू को भी इसके साथ ल, आ, जो है अगले और पिछले हिस्से के साथ सिलना है तो ये मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ये जो ऐसे खींचना नहीं है बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से ये इस तरह से पूरा सिलना है तो यहाँ हम इसको सिलेंगे दोनों बाजू इसके साथ और उसके साथ इसको फिनिश करेंगे बटन्स के साथ तो ये हमने अपने कार्डिगन को सिल लिया है यह है इसका बाजू का हिस्सा ये अंदर की तरफ का और ये बाहर की तरफ का दोनों बाजू एक जैसे ही सिले हैं हमने और इसे फिनिश किया है बटन्स के साथ चार बटन लगाए हैं फ्रंट ओपन कार्डिगन एक से डेढ़ साल के बच्चे के लिए और इसका जो गला है वो वी है और इसके जो बॉर्डर है वो लेस पैटर्न है चाहे वो अगला और पिछले हिस्से का बॉर्डर हो और चाहे ये हमारा बाजू का बॉर्डर है ये एक से डेढ़ साल के बच्चे के लिए हमने बनाया है लेकिन ये दो साल के बच्चे के भी आराम से आ जाएगा तो इसका जो अगला हिस्सा है हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बनाएंगे इसी का सेकंड पार्ट अपनी कैप जो कि जिसका बॉर्डर लेस पैटर्न से होगा तो इसको हम इसी का इसको जो है न, न, जो हम ये बेबी सेट बना रहे हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे विद द बेबी कैप उसमें बेबी कैप बनाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें कमेंट करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय